पासवान जी, कुछ और खिलाड़ी भी हैं मैदान में, जैसे शरद पवार हैं, इन लोगों का क्या आप भविष्य देखते हैं? नहीं, उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे अभी। हम तो ये कि हम चाहते हैं कि यूपीए की सरकार बने और एनडीए जो है पावर में कभी नहीं आवे। उसके बाद कौन प्लेयर होंगे, कौन खिलाड़ी हैं, किनका क्या मोटिव है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। जी, क्या पूरा की पूरा यूपीए इस बात पर सहमत है कि अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही होना चाहिए? हम अगले सभी के तरफ से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से बोलते हैं और लालू यादव ने भी बार बार कहा है। जी, लेकिन आपको ये सही लगता है कि ये उचित है कि आपकी 10, 12, 8 सीट हैं और उसके आधार पर भी बहुत सारे नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से? नहीं, उसमें प्रोजेक्ट करने में किसी क्या बुराई है, होगा तो वही जो आम सहमति होगी। लेकिन क्या होगा ये आप बता ही नहीं रहे हमें। नहीं, हम बतला तो रहे हैं कि मनमोहन सिंह होंगे। नहीं, क्या क्या स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट का, क्या आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो अभी का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहेगा? हंग पार्लियामेंट रहेगी? हंग पार्लियामेंट मतलब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं आएगी तो तय है, ये तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप किसको, जो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ आप किसको देख रहे हैं? नहीं, देख नहीं, वहाँ तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव स्वीप करेंगे। वरुण गांधी का जो कुछ अभी आप देख रहे हैं, अभी जो कुछ चल रहा है वरुण गांधी को लेकर, आपको क्या लगता है कि मायावती ने जो एक नया कार्ड खेला, NSA लगाया वरुण गांधी के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो ज़रूर सुरक्षित महसूस करेगा मायावती के साथ? लेकिन हीरो बनाने का काम भी तो वही की है, उसको NSA लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब वरुण गांधी ने स्पीच दिया और जब उस पर गिरफ्तारी का वारंट निकला तो क्यों नहीं मायावती ने जाकर उसको गिरफ्तार करने का काम किया? क्यों जाकर उसको हीरो बनाने का काम किया कि जुलूस के साथ में जाओ, नारा लगाते हुए जाओ और तोड़ फाड़ करो? ये किसके ये कोई राज्य सरकार का दायित्व तो नहीं था कि उसको जाकर के गिरफ्तार करो? लाल कृष्ण आडवाणी क्या कहते हैं कि जब गए थे और जब आशंका हुई थी तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था रात में, क्यों नहीं किया था कि नहीं, क्यों नहीं रात में जाकर के गिरफ्तार कर लिया? टीवी पर आ रहा है कि अब राहुल, अब वरुण गांधी चले हैं, अब जाकर के सरेंडर करने जा रहे हैं, अब यहाँ तक पहुँचे हैं या पीलीभीत पहुँचे हैं, तो ये सब किसने करवाया? ये BSP और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से उसको हीरो बनाने का ये क्या कहते हैं कि काम किया गया है। जी, लेकिन इससे आपको लगता है फायदा होगा मायावती को या BJP को कुछ? किसी, ना मायावती को फायदा होगा ना BJP को फायदा होगा। आप मुख्यमंत्री होते और आपके राज्य में अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? हम पहले ही दिन गिरफ्तार करके बंद कर देते चुपचाप। लेकिन NSA जो लगाया है ये तो उन्होंने सख्ती दिखाई है एक तरीके से। NSA दिखलाना, वो NSA क्या कहते हैं कि NSA के आखिर इतना होने के बावजूद भी NSA नहीं लगाएगा तो NSA बना है किस लिए? लेकिन इस पूरा जो कुछ हुआ पीलीभीत में उससे मैसेज क्या जाएगा? देश भर में जो माइनॉरिटी है उनको क्या मैसेज जाएगा? माइनॉरिटी को मैसेज यही जा रहा है कि साहब मायावती ने वरुण गांधी को क्या कहते हैं कि हीरो बनाने के लिए ये सब जैसो खड़यत्न किया। जी पासवान जी, आखिरी सवाल ये है कि हमें ये भी पता चला कि आप ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी विश्वास रखते हैं। नहीं नहीं, हम नास्तिक हैं। बिल्कुल आपका कोई विश्वास नहीं? कोई विश्वास नहीं। किसी से कंसल्ट किया आपने? नहीं, कोई कंसल्ट हम नहीं करते हैं। हम डेट को खाली देखते हैं, कौन दिन हमारा खाली है और किस तारीख को हम डेट को देखते हैं, भरते जाते हैं। तो आखिर में क्या निष्कर्ष है, कौन आपको अपना दोस्त नज़र आ रहा है और कौन आपका दुश्मन है? नहीं, हमारा न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। हमारी लड़ाई कम्युनलिज्म से है और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ में हम लड़ाई है। हम पावर टू द पुअर, गरीब का राज चाहते हैं और जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसका हित सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्त आपके बदलते रहे हैं, आपके दुश्मन भी बदलते रहे हैं, इसलिए मैंने राजनीति मेरा दोस्त दुश्मन आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी अपने जगह पर कायम रहता है। वो आइडियोलॉजी कोई कपड़ा नहीं है। जब हम NDA में भी थे लेकिन जब मामला आया गुजरात में दंगा का मामला आया तो हमने सत्ता में रहना पसंद नहीं किया, हमने एक मिनट में इस्तीफा दे दिया। इसलिए वो जो है पर्सनल दोस्ती आपको अपने जगह पर हो सकती है लेकिन आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ है। पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।